नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं चंपावत में उपचुनाव के लिए सज गए मैदान पर। जब से चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए उपचुनाव तय हुआ है, तभी से तीन बातों की बड़ी चर्चा हो रही है उत्तराखंड प्रदेश में। एक, उत्तराखंड में हमेशा मुख्यमंत्री उपचुनाव में गया है और जीता है, लेकिन सवाल यह है कि अब तक हुए पहले के सारे उपचुनाव जो मुख्यमंत्रियों के उपचुनाव हुए हैं और चंपावत के उपचुनाव में एक बड़ा अंतर क्या है, इस पर गौर करने की जरूरत है। और दूसरी बात यह है कि हर अखबार और वेबसाइट कह रही है कि पुष्कर सिंह धामी के लिए चंपावत में सबसे बड़ी लाभ की बात यह है कि इस सीट का बड़ा हिस्सा खटीमा से सटा हुआ है। आज के हिंदुस्तान अखबार ने तो यह छापा है कि इस सीट के 50,000 मतदाता मुख्यमंत्री धामी के पड़ोसी है। खबर में बनबसा और टनकपुर क्षेत्र के वोटर की बात की जा रही है, क्योंकि यह पूरा का पूरा जो इलाका है, पूरा का पूरा क्षेत्र है, वो खटीमा से सटा हुआ है। और तीसरी बात, कांग्रेस में चार दिन पहले तक बड़ी कलह मची हुई थी, ऐसे में कांग्रेस क्या यह चुनाव लड़ेगी, यह कहा जा रहा है कि वो तो समय रहते उम्मीदवार पर फैसला कर ले, यही बड़ी बात है। इसमें कोई दो राय नहीं है, कांग्रेस के उत्तराखंड के इतिहास को देखते हुए यह बातें कही जा सकती है। मैं भी मानता हूं कि ये तीनों बातें जो ऊपर कही है, जो पहले कही है, अभी तक कही है, ऊपर से देखने पर पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, लेकिन मैं चंपावत के उपचुनाव को अभी तक के पहले के मुख्यमंत्रियों के उपचुनाव से अलग मानता हूं। और मैं विधानसभा चुनाव में उतरी उत्तराखंड कांग्रेस और अब की उत्तराखंड कांग्रेस को भी अलग मानता हूं। आइए इस पर बात करते हैं कैसे। पहली बात, पहले के मुख्यमंत्रियों के उपचुनाव और चंपावत के उपचुनाव में एक बहुत बड़ा अंतर है। पहले किसी भी उपचुनाव में हारा हुआ मुख्यमंत्री नहीं पहुंचा है। चुनाव में बागडोर संभालने वाला चेहरा पार्टी का हार गया तो पार्टी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी और को दे दी और मुख्यमंत्री बनने के बाद वो चेहरा उपचुनाव में गया है। यानी कि जो चेहरा उपचुनाव में गया है वो चुनाव में उम्मीदवार नहीं था। यह एक बड़ा अंतर है, इसको ध्यान में रखना बेहद ही जरूरी है। और दूसरी बात, कहा जा रहा है कि खटीमा से सटा होने के कारण पुष्कर सिंह धामी को चंपावत का लाभ मिलेगा, यह मैं भी मानता हूं, क्योंकि बनबसा और टनकपुर में मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव में भी खूब एक्टिव रहे हैं। कैलाश गहतोड़ी के लिए उन्होंने जनसंपर्क भी किया है चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव के दौरान, लेकिन कैलाश गहतोड़ी ने एक बात कही है, मेरा मानना है कि उन्हें यह बात नहीं कहनी चाहिए थी। राजनीति में कई बार अपने भाव को बड़े गहरे में दबा कर रखना पड़ता है। कैलाश गहतोड़ी ने चंपावत सीट से अपना इस्तीफा देने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें जब उनसे पूछा गया कि आपने क्यों इस्तीफा दिया है, क्यों यह सीट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए छोड़ी है, तो उन्होंने बहुत सारी बातें की, पुष्कर सिंह धामी की बहुत तारीफ की, लेकिन इसी के साथ साथ दो वाक्य भी बोल दिए। उन्होंने कहा, मैं खटीमा के पड़ोस की सीट से आता हूँ, वहां के लोगों को यह एहसास भी कराया जाना चाहिए कि उन्होंने गलत किया। मुझे लगता है कि यह किसी को किसी भी तरह का एहसास कराने का वक्त नहीं है, इस पर गौर किया जाना बेहद जरूरी है। आइए अब तीसरी बात पर बात करते हैं। कांग्रेस के अंतर्कलह को ध्यान में रखते हुए यह सवाल बार बार उठ रहा है कि कांग्रेस इस उपचुनाव में कितनी तैयार है, इस उपचुनाव के लिए कितनी तैयार है। मैं भी मानता हूं कि कांग्रेस में झगड़े जरूरत से ज़्यादा होते हैं और वो झगड़े सार्वजनिक तौर पर होते हैं, जिसका असर चुनाव में पड़ता है, कार्यकर्ता के मनोबल पर पड़ता है। लेकिन इस चुनाव को लेकर दो बातें बहुत ही साफ साफ है, इसको समझना चाहिए। पहली बात, यह पूरे प्रदेश में चुनाव नहीं है, यह केवल एक सीट पर चुनाव है। और दूसरी बात, कांग्रेस ने उत्तराखंड में पार्टी के सारे गिरोहबाजों को एक किनारे लगा दिया है और जिनको कमान सौंपी है वो गिरोहबाज नहीं है, यह भी एक सच्चाई है। और तीसरी बात भी ध्यान में रख लेनी चाहिए, पांच लोग ऐसे हैं कांग्रेस में जो इस चुनाव को पूरे मन से लड़ने वाले हैं। एक कर्ण मेहरा, दो भुवन कापड़ी, तीन यशपाल आर्य, चार हेमेश खरकवाल और पांच हरीश रावत। इसमें आप दो नामों पर, दो लोगों पर सवाल उठा सकते हैं, एक हरीश रावत, लेकिन मेरा मानना है कि वो हो सकता है एक्टिव कम रहे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है कि वो चंपावत के कांग्रेसियों को इस चुनाव के लिए उत्साहीन करने का काम करेंगे। और ध्यान में रखना चाहिए कि वो पिछले कई दिनों से दोबारा बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हो गए हैं। बिजली संकट, जल रहे जंगल पर सबसे ज़्यादा हरीश रावत और यशपाल आर्य ही आवाज़ उठा रहे हैं। हरीश रावत ने तो प्रदेश में घनघोर बिजली कटौती के खिलाफ एक घंटे की कड़ी धूप में घोर साधना भी की है। उन्होंने एक घंटे का धूप में बैठकर मौन उपवास रखा है।
और रही बात हिमेश करकवाल की, तो मेरा मानना है कि कांग्रेस उन्हें ही चुनाव में उतारेगी। अगर उनको नहीं उतारा जाता है तो जिसको भी उतारा जाएगा, कम से कम वो हारने के लिए मैदान में तो नहीं उतरेगा। और ध्यान में ये भी रखना चाहिए कि कर्ण मेहरा ने कहा है कि जो भी उम्मीदवार चुना जाएगा उस पर हिमेश खरकवाल से बात की जाएगी, क्योंकि कर्ण मेहरा, भुवन कापड़ी और यशपाल आर्य नहीं चाहेंगे कि उनका राजनीतिक करियर खतरे में पड़ जाए। क्योंकि ये ध्यान में रखना चाहिए कि उत्तराखंड में कांग्रेस है तो ये 5 लोग हैं जिनका मैंने जिक्र किया, और अगर उत्तराखंड में कांग्रेस नहीं है तो ये 5 लोग बड़ी गंभीर चिंता में है। इसीलिए ध्यान में रखना चाहिए कि यशपाल आर्य वापस भाजपा में जा नहीं सकते हैं। भुवन कापड़ी तो खटीमा से ही पुष्कर सिंह धामी के घनघोर प्रतिद्वंदी है, और कर्ण मेहरा के सामने यह पहली अग्नि परीक्षा है। इसीलिए मेरा सुझाव है कि पुष्कर सिंह धामी की टीम मीडिया में छप रही खबरों के चक्कर में ज्यादा ना आए और जमीन को टटोल टटोल कर कदम रखे, क्योंकि यह जो परीक्षा है, यह जो एग्जाम है, यह आखिरी है और इसको जीतना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं फिर कहता हूँ कि यह चुनाव बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी तस्वीर धीरे धीरे साफ हो जाएगी, और पूरी तस्वीर तो साफ तभी हो पाएगी जब उपचुनाव की घोषणा हो जाएगी ऑफिशियली और कांग्रेस का उम्मीदवार तय हो जाएगा। इसीलिए देखते हैं क्या होता है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।